तमगा इम्तियाज, अब ना इम्तियाज रहा ना मुमताज रहा, कि ये टिकटॉक और इन मसाइल में ना पड़े। अपने बच्चों को भी और यंगस्टर्स से मैं कहना चाह रहा हूँ कि अच्छी चीज़ों की तरफ जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं अल्फा वे बाय सैम अली दादा पावर्ड बाय सोशियन, और हम लेकर आए हैं आपके पास सुपर सोल की ये सीरीज, जिसमें हम उन पर्सनालिटीज के साथ आपकी मुलाकात कराते हैं जो अपने अंदर एक अपने एक इंस्टीट्यूशन की हैसियत रखते हैं। उन्होंने ना सिर्फ मुल्की तौर पर बल्कि आलमी सतह पर भी पाकिस्तान का नाम, आर्ट का नाम, कल्चर का नाम जो है वो बहुत ही मुस्बित तरीके से जो है वो उनको रोशनास कराया है। हमारे साथ जो आज शख्सियत है उनका पाकिस्तान टेलीविजन के साथ, एडवर्टीजमेंट के साथ, फन के साथ, आर्ट के साथ और बहुत सारी, और स्पेशली मैं ये कहना चाहूँगी कि फिलैंथ्रोपी के साथ, सोशल वर्क के साथ एक बहुत गहरा ताल्लुक है। मैं आपके और उनके बीच में ज़्यादा देर नहीं बैठूंगी, मैं चाहूँगी कि हम उन्हीं से बात करें और ये कहानी उन्हीं की ज़बानी सुनिए। हमारे साथ मौजूद है तौकीर नासिर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? हाँ, बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र। जी, तो आपने जिस तरह इतना स्टैंड भी लिया डिफरेंट आर्टिस्ट के लिए, स्पेशली पीटीवी के जो सीनियर आर्टिस्ट, और उसमें देखिए ये है, आज भी मेरा वही मौकफ है कि उस तरह से आर्टिस्टों को उनकी वेलफेयर के लिए पीटीवी कुछ नहीं कर सका। मतलब वो बहुत ज़रूरी है, मतलब मैं पीएमसीए में रहा हूँ, मैं अलहमरा में रहा हूँ, मैंने मेरी कोशिश रही कि देखिए पीएनसीए में मैंने लॉन्गेस्ट डे है मेरा 5 ईयर्स का एज डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स। तो उसमें मैंने जो मेरा उसमें मेंस जो कॉन्सेप्ट और मैंडेट था वो ये है कि टू प्रमोट कल्चर विद इन द कंट्री एंड आउटसाइड आल्सो, ये बेसिक मैंडेट है। उसको मैंने ऐड इन किया कि टू प्रमोट आर्ट कल्चर एंड आर्टिस्ट टू, उसकी उसको भी तो प्रमोट करना, जिसकी वजह से ये इदारे बने हैं, जिनके खून पसीने की वजह से ये इदारे बने हैं, उनकी वेलफेयर। और फिर वैसे भी महज़ब माशरों में तो एज हीरो लिया जाता है जिन लोगों ने काम किया हो, जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया हो, इन्होंने तो माशरे को बहुत कुछ दिया, तो इनका तो बहुत कंट्रीब्यूशन इतना बड़ा है कि ये इतना बड़ा कर्ज है इस माशरे पे, और ख़ास तौर पे पीटीवी पे, कि अगर ये कर्ज उतारना का सोचे भी तो बहुत लंबा अरसा चाहिए इस कर्ज को उतारने के लिए। लेकिन फिर भी इसकी रियलाइजेशन तो होनी चाहिए कि आर्टिस्ट को, कि उसकी वेलफेयर को, और फिर उस ख़ास तौर पर उसकी आखिरी एज को। मैंने बहुत से जो सीनियर आर्टिस्ट हैं उनको बड़े मतलब आखिरी दिनों में बड़े ऐसे अच्छे हालात में नहीं देखा, तो आप इसको बहुत बेशुमार हैं ऐसे, और हमने एक्नॉलेज मतलब ही नहीं किया उनको। मैंने तो खैर मुझे तो पहले भी अंदाज़ा है, क्योंकि मैं तो उनके साथ, मेरे तो सारे आसपास के लोग हैं, मैंने 5ों स्टेशंस पे काम किया पीटीवी के, और मेरे ख्याल में मैं वाहिद हूँ जिसने 5ों स्टेशंस पे मैक्सिमम काम किया, लाहौर और कराची दोनों पे पीटीवी पे सेंटर्स पे मैंने बहुत ज़्यादा काम किया। लेकिन तो मुझे तो, मैं तो पर्सनल लेवल पे भी सबको जानता हूँ, जो लोग हमसे जुदा हो गए हैं वो बेचारे आखिरी उम्र में कैसे कैसे हालात में गए हैं, वो उसका एहसास ही नहीं हुआ किसी को, कि ना मुआशरे को हुआ, ना पीटीवी को हुआ, ना इन इदारों को हुआ। तो वो फिर पीएनसी में मैंने कोशिश की जितना मैं कर सकता था, मैंने ट्रिब्यूट टू द लेजेंड्स का एक सिलसिला शुरू किया, तो वो इसीलिए शुरू किया था कि मैं इनके लिए कुछ कर सकूं, कुछ इनकी आखिरी उम्र में, मतलब मैं दिए साहब से रेशमा हमारी बहुत बड़ी आर्टिस्ट, मतलब उनके आखिरी दिनों में भी बहुत मिजरेबल, मुझे अंदाजा है, और बड़े दुख की बात है, ये हमारी शर्म की बात है, ये बेशुमार लोग हैं, ये सोचना चाहिए हमें, ये मतलब ये बेसिकली लम्हा फिक्रिया है, स्टेट को भी सोचना चाहिए, इन इदारों को भी सोचना चाहिए। किसी हुकूमत ने आपको लगता है कि कभी ऐसा स्टेप उठाया, एक हुकूमत की तरफ से कभी कोई ऐसा? देखिए एक पहले भी कल्चर, जब मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर थी उसका एक फंड था आर्टिस्ट वेलफेयर फंड, अब वो फंड भी जो है वो डिवॉल्व हो गया, मिनिस्ट्री डिवॉल्व हो गई, वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर डिवॉल्व हो गई है, तो वो फिर दोबारा से, उस वक्त भी मैंने बड़ा कोशिश की थी कि नहीं इसको कल्चर को ख़त्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे 4 सूबे हैं तो उनको एक गुलदस्ता बना के कौन पेश करेगा, वो सेंटर फेडरल गवर्नमेंट ही कर सकती है, वो मिनिस्ट्री ही कर सकती है, वो प्रोविंसेस की आर्ट्स काउंसिल्स नहीं कर सकती, वो प्रोविंसेस के डिपार्टमेंट्स नहीं कर सकते।
तो फिर अल्टीमेटली नेशनल हेरिटेज के नाम से उसको दोबारा से, अब वो फंड जो है वो आगे पीछे कहाँ चला गया, अभी वो फंड दोबारा से रिक्रिएट ही नहीं हो पाया। अब वो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में मर्ज कर दिया गया, इसको बिल्कुल इंडिपेंडेंट इदारा होना चाहिए, हमारी 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 प्रायोरिटीज में नहीं है, ये हमारी अपनी नालायकी है मेरा। यस, पाकिस्तान टेलीविजन, मैं तो कहता हूँ कि ब्रीफ केसेस में सारी दुनिया में बिका है और पायरेसी हुई है, पैसे लोगों ने कमाए हैं, चूंकि इदारे को कुछ नहीं मिला, लोगों को कुछ नहीं मिला, सरकारी था इसलिए किसी की जेब का किसी का लॉस नहीं था। तो अगर कोई ये सोचता कि नहीं ये मेरे मुल्क का भी नुकसान हो रहा है और मेरे इन आर्टिस्टों का भी नुकसान हो रहा है, अगर वो पैसा अगर आप दुनिया से खुद कमाता, पीटीवी खुद मार्केटिंग करता और वो पायरेसी को रोकता, यानी रात को ड्रामा चलता था तो उसको रिकॉर्ड करके वो ब्रीफ केस में डाल के वो दुबई के, वो रात की फ्लाइट से वो दुबई पहुंच जाती थी कैसेट, और उसकी कॉपियां बन के फिर अगले दिन सुबह वो दिल्ली में भी पड़ी होती थी और पेरिस की दुकान पे भी पड़ी होती थी। ये तो किस कदर मतलब तो वो पैसा किसी और की जेब में गया, तो फिर ना आर्टिस्ट को मिला ना आपके इदारे को मिला। बिल्कुल, हमारा अब मेरा अपने काउंटर पार्ट इंडिया के, उनसे मेरी मीटिंग हुई दिल्ली में, तो उन्होंने मुझे बताया, तो मैं थोड़ा सा मैं खुद भी आई वाज शॉक्ड कि उसने उन्होंने बताया कि मेरे हमारे मैं तो यहाँ लोकल लेवल पे तो प्रमोट नहीं करने ना लेक्चर, अपना अपना कल्चर जो है वो मुझे विद इन द कंट्री तो ठीक है लेकिन असल है आउटसाइड, उसकी प्रमोशन कहाँ हो रही है, प्रमोशन कर रही है ना आउटसाइड द कंट्री टूवर्ड्स द फोर कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। तो 50 से ज्यादा सेंटर्स हैं, कल्चरल सेंटर्स हैं, मैं वहाँ पे ज्यादा काम करता हूँ, मेरा फोकस वहाँ पे है। देखिए फिर उन्होंने कितनी अच्छा अपने कंट्री को किया, भी सेंटर नहीं है, नहीं है। हम किसी फ्लाइट में जाए हमें कोई पाकिस्तानी फिल्म नहीं मिलती, कोई पाकिस्तानी ड्रामा नहीं देखने को मिलता। इंडिया के आप देख लें, आप ईरान के देख लें, हर हर जगह के इंडस्ट्री अपना काम करे, इतना रिचनेस है हमारा। अगर मैं देखना भी चाहूँ कि मैं वारिस देखना चाहती हूँ, अनकही देख, मुझे नहीं मिलता, इंटरनेशनल फ्लाइट पे नहीं है अवेलेबल जी। काम करेंगे, दो फायदे हैं ना इसमें, आप अर्न भी करेंगे, आपका इमेज भी अच्छा जाएगा, आपको लोग पहचानेंगे, और फिर जब पहचान लेंगे तो फिर आपको एकदम से टेररिस्ट नहीं खा जाएगा। देखिए ना, ये लॉन्ग रन की थॉट होनी चाहिए थी कि इमेज आपके लिए क्या क्या काम कर सकता है। तो मेरे ख्याल में हमने पीटीवी के इदारे के साथ भी वही किया जो हमने स्टील मिल के साथ किया, जो पीआईए के साथ किया, वही हालात हमने वही उसके साथ भी उस तरह से उसको मिसहैंडल किया, मिसहैंडल किया, अपनी जेबें भरी, क्रिटिसाइज्ड किया। एक्चुअली पॉलिटिक्स हर जगह आ गई, पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स में तो रही नहीं, बाकी हर डिपार्टमेंट में बहुत ज्यादा आई। अच्छा, ये जो आप देखते हैं हमारे जो परफॉर्मेंस के अवार्ड्स होते हैं जो हर साल मिलते हैं, उसके ऊपर आपकी क्या राय है? मिलते नहीं है, बांटे जाते हैं। ठीक है, ये जो बांट है, ये जो गंडेरियों की तरह बिकते हैं अवार्ड, ये क्या है? ये बड़ी बड़ी अनफॉर्चुनेट है, एक ऐसा अवार्ड है। देखिए पाकिस्तान अवार्ड तो बहुत बड़ा अवार्ड होना चाहिए जी, उसकी एक अपनी तकरीम है, उसका अपना एक लेवल है, उसको उसका एक उसकी अपनी एक वैल्यू है। तो उसको अगर हम इस तरह से रेवड़ियों की तरह बांटेंगे तो जिसमें देखें कहीं तो मेरिट दिखा दे, मेरिट तो मेरिट को मेरिट की बातें करते हैं हम, मेरिट कहीं तो हो ना। मतलब आप बताइए कि जिनको मिलता है कि किस वजह से मिलता है, किस चैनल से मिलता है, इसकी अफवाहें भी अब तो सोशल मीडिया पे आ जाती हैं। मतलब मुझे तो उनकी खिदमात भी कभी समझ नहीं आई कि वो किस जुमरे में खिदमात है जिसपे वो मिला चलना। वही मैं कह रहा हूँ ना कि खिदमात खुद नजर आ रही होती है कि कितनी खिदमात है, और फिर 5 साल जिसको काम करते हुए हुआ उसका तो हक नहीं बनता ना। इसमें मैं इसमें 20 से 25 साल मैं खुद नॉमिनेट करता हूं। जरूर अवार्ड दे, पहले कोई काम तो कर ले ना सर। अच्छा, पीएनसीए में था तो मैं खुद नॉमिनेट करता था। अच्छा, पीएनसीए अपनी नॉमिनेशंस अभी भी जाती हैं, उस वक्त भी जाती थी। संतोष कुमार साहब को मैंने पहली साल जब मैंने नॉमिनेशन की तो संतोष कुमार साहब का मुझे पता चला कि उनको नहीं मिला, तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ, इसलिए कि उनकी कोई लॉबी नहीं है, इसलिए कि उनकी कोई सिफारिश नहीं थी, इसलिए कि उनको कोई याद करने वाला नहीं था, हालांकि वो पाकिस्तान का पहला हीरो बिल्कुल, और जो जिंदगी के आखिरी लम्हे तक काम करता रहा।
उसका हक सबसे पहले बनता था प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का, बिल्कुल है ना। और 5 साल जिसको काम करते हुए हैं, अभी उसको काम आया भी नहीं है अच्छी तरह से, उसको आप उठा के प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो सितारे हिलाल भी, जुरत भी, मुझे समझ नहीं आ रहा है। वैल्यू छोटा हो गया, वो अवार्ड जो उसका बड़ा बन था उसको छोटा करने की बात है, और कोई नहीं है। आप देते रहे, सबको देते रहे, आप कुछ और दे दें, कॉम्पनसेट कर दें, आप उनको सर्टिफिकेट दे दें, अगर ज्यादा ही आपको दिल चाह रहा है। लेकिन एक तमगे की एक उसकी काम करते, उसको नहीं दिया, उसको मैंने नॉमिनेट किया, उनको अवार्ड दिया। दीबा बेगम जिसने सारी जिंदगी फिल्म में कितना बड़ा नाम, कितना काम किया, कितनी कॉन्ट्रीब्यूशन है, उनको नहीं मिला था। पिछले साल मैंने उनको नॉमिनेट किया तो उनको अवार्ड मिला। यार ये तो ना करें ना फिर, उनको दे रहे हैं तो इनको तो पहले दे ना, जरूर दें। देखिए मेरी हमेशा डिबेट आपसे भी, मतलब जब भी बहस हुई करते ना कि किसको मिला है किसको नहीं मिला, वो तो जो सामने आया है, जिसके टेलीफोन ज्यादा आ गए, उसका नाम लिख दिया गया और वो चला गया और ओके हो गया, तो फिर जो हमारे जैसे लोग होते हैं, तो शेरवानी पहन के आ गया या फिर अंगरखा खवातीन में, तो वो इन है ना, वो पागल से हो गया, चूड़ीदार पजामा और वो अंगरखा, उसमें चादर भी आप ले लेते हैं, और पूरा मतलब अवार्ड क्यों लेना है, इतना बड़ा अवार्ड है जी। एनीवे इसके साथ इस तरह मजाक नहीं करना चाहिए, बिल्कुल ये बड़ा सीरियस मैटर है। मैं कहती हूँ आप जरूर इनकरेज करें, आप उनको और चीजें दें, लेकिन जो एक सैंटिटी होनी चाहिए, लेकिन मेरिट पे होनी चाहिए। उन लोगों को जरूर उनका हक ना मारें, बिल्कुल, जिन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है इस मुआशरे के लिए, इन इदारों के लिए, उनका हक ना मारें प्लीज। जबरदस्त। अच्छा सर मुझे बताइए कि अभी आप डिफरेंट वो बिजनेस भी आपने स्टार्ट किए हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स भी स्टार्ट किए, स्पेशली लेदर के हवाले से, और उसमें आपने एक अपनी कंपनी का भी पिछले दिनों मैंने बल्कि शिरकत भी की थी, और वो बड़ा ज़बरदस्त, और उसके साथ साथ इन्होंने सोशल वर्क के पहलू को भी रखा, जो आप स्कूल्स के लिए काम करें। मैं चाहती हूँ थोड़ा सा आप हमारे भी उसको बताइए। TNM के नाम से, तौकीर नासर मुझे के नाम से हमने शुरू किया। मुजफ्फर साहब इज माय फ्रेंड एंड ही इज माय पार्टनर, ही मोटिवेटेड मी एंड ही इज बेस्ड, मतलब वो यूके में है, उनका ऑलरेडी लेदर का बिजनेस है, तो उनका एक्सपीरियंस भी है, तो उन्होंने सोचा, उनका कॉन्सेप्ट था कि हम एक लॉन्च किया है पाकिस्तान में भी, और उसमें क्लोथिंग फैशन में, और उसमें तो फिर मैंने उसमें भी थोड़ा सा सोचा कि पहले तो मैं मान नहीं रहा था, फिर अल्टीमेटली माना तो फिर इस बात पे कि इसमें भी हम अपने सूबों को, अपने मुल्क को, मुल्क के कलर्स को सामने रखें। हमने जो उसका लोगो बनाया है वो भी उसके ऊपर मारखोर है, मारखोर इज़ अ नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान, तो उसमें TNM लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि सिर्फ मारखोर से अंदाज़ा हो, पूरी दुनिया को पता होगा पाकिस्तान। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि उसके कलर से भी पता लगेगा, लगना चाहिए, वो चाहे हम हमारे मुल्क में पहने जा रहे हों, चाहे मुल्क से बाहर पहने जा रहे हों, उसमें हमारे चारों सूबों के कलर्स और बेशुमार कलर्स हैं, खूबसूरत कलर्स हैं, मतलब चोलिस्तान में आप देखें ना क्या क्या पैलेट ही जबरदस्त है ना, उन कलर्स के साथ खेला जाए, उनको फ्यूजन किया जाए, कट्स आप जो है वो यूरोप के हों, वो कहीं के भी हों, जो 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 ट्रेंड्स हैं, जो लोग पसंद करते हैं, जो यंगस्टर्स पसंद करते हैं, लेकिन उन यंगस्टर्स को ये भी बताएं कि ये चोलिस्तान की पट्टी लगी हुई है, ये जो कलर है इट इज फ्रॉम चोलिस्तान, दे शुड नो वेयर इज चोलिस्तान, है ना, तो दे शुड नो व्हाट इज बलूचिस्तान, बलूचिस्तान के कलर्स और उसकी उसके हाथ से बनी हुई चीजें, क्या क्या खूबसूरत कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स है। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान की चित्राल, सिंध के इंटीरियर सिंध में, तो इनका इनको थोड़ा थोड़ा सा हम इसका फ्यूजन करेंगे, और फिर इसके साथ साथ इंशाल्लाह हमारी नियत इस हवाले से है कि हम अगर कारोबार भी करें तो उसमें भी पाकिस्तान के हवाले से करें, और उसके साथ साथ छोटा सा काम हम ये भी करें कि एक नेक काम भी करें, अल्लाह ताला को भी हमने उसमें पार्टनर बना लिया, तो ये सबसे बेहतरीन तजारत है मेरे ख्याल है। अल्लाह ताला क्या खुद कहते हैं कि मुझे दो मेरे रास्ते में खर्च करो, मुनाफा 10 गुना कमाओ, बिल्कुल ठीक है ना। तो उस हवाले से भी है कि हम एजुकेशन फर्स्ट के हवाले से हमने एक सेगमेंट रखा है, उसमें हमारी जो जो भी इंशाल्लाह चलता है तो
इसके जो प्रॉफिट होगा उसका 10% आप उस अपने उस सेगमेंट में डालेंगे। सेगमेंट टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू द डिप्राइव्ड सोसाइटी ऑफ आवर कंट्री। और हम बड़ी आसानी से और बड़ी बेहिसी से ये कह देते हैं कि इतने करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे रह रहे हैं। अब कितनी आसानी से गए, क्यों चले गए, किसका कसूर है, क्या हुआ, अब इनको वापस उस लकीर से तो ऊपर ले आओ यार, कम से कम आप सोसाइटी की भी जिम्मेदारी है। और सर ये आप बहुत अच्छा काम करें, क्योंकि देखिए ये चीज़ें टेररिज्म की तरफ जाती हैं। एक्चुअली मैंने जो स्टडी किया तो आपकी जो अनएम्प्लॉयमेंट है या जो सोशल डिप्रेवेशन है, दीज आर डायरेक्टली रिलेटेड टू टेररिज्म। इटसेल्फ इज अ क्राइसिस। बिल्कुल बिल्कुल, उसके अंदर से क्या निकलेगा, उसके अंदर से फूल थोड़ी निकलेगा, कुछ पॉजिटिविटी तो नहीं निकलेगी ना, पॉजिटिविटी तो नहीं आएगी उसमें, फिर क्या होगा, तो फिर वो फ्रस्ट्रेशन है, वो सब कुछ है, तो वो छीन लो उस पे जब वो सोचता है, फिर उसके बच्चे जिनको खाना खिलाना उनके लिए मुश्किल है, तो एजुकेशन कहाँ से दिलवाएगा, फिर वो एजुकेशन नहीं है, वो जब एजुकेशन नहीं होती तो फिर वो अंधेरों में ही होता है। तो अंधेरे में फिर वो अंधेरे में रहने वाले, अंधेरों में चलने वाले, तो फिर वो क्राइम की तरफ जाते हैं ना, उनको रोशनी का रास्ता नजर ही नहीं आता, तो वो रोशनी का रास्ता एजुकेशन दिखाती है, वो उनको मना करती है कि नो ये गलत है, क्या गलत है क्या सही है, तालीम सिखाती है, इल्म सिखाता है। हाँ। तो तालीम जो है वो हमारी, वो एक तो खाने पीने का तरस रहे, दूसरा तालीम से दूर होते चले जा रहे हैं, वो इस मुआशरे का एक बड़ा, बहुत बड़ा हिस्सा। बिल्कुल, तो उसमें हम सबको हिस्सा डालना मेरे चाहिए, जरूर डालना चाहिए, हुकूमत को भी, और सिर्फ हुकूमत को नहीं, मुआशरे को पूरे। हम माशाल्लाह हमारे यहाँ मुल्क में जो हम मुखय्यर हजरात हैं, बेशुमार लोग हैं, और बहुत से लोग करते हैं, लेकिन सही जगह पे करना चाहिए कि उन बच्चों को जो पढ़ना चाहते हैं, जो स्कूल जाते हुए बच्चों को हसरत की निगाह से देखते हैं और उनके माँ बाप अफोर्ड नहीं करते, उनको हम फोकस करें, इंशाल्लाह हम अपनी जेब से करेंगे, डोनेशंस के साथ में, हम वॉलंटियर्स हमारे जरूर होंगे, जिनमें आप भी हो सकते मैं हैं, ठीक है, तो उसमें वो आपने ढूंढना है कि ये बच्चा है, ये मैं इनको जानती हूँ, ये फैमिली है, ये इनका बच्चा बहुत शौक रखता है पढ़ने का, एम्बिशन, तो एम्बिशियस बच्चे को हम कहेंगे आओ आके अपनी जिंदगी बनाए, उसको ओन करेंगे, पेटनाइज करेंगे, उसको पढ़ाएंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह वो हमारा फंड जो है, जो भी आपके जहन में पहला जुमला आए किसी भी शख्सियत के, आपने वो बोल देना है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, मौलाना फजल रहमान। मौलाना साहब मौलाना है, और है पक्के मौलाना है। ठीक है, जबरदस्त। बिलावल भुट्टो। Bilawal Bhutto is grooming. हाँ, he is going towards positive side. Yes. सही है। अच्छा, मीरा? मीरा जो है वो अगर उसको उसके जो है अगर उसके काम को देखा जाए तो काम उसने अच्छा किया, and good actors. जबरदस्त। अच्छा, आप मैं ये पूछना चाहूँगी कि कोई ऐसी बात जो आपकी पहले वीकनेस हो लेकिन आपने उसको ओवरकम करके अपनी पॉजिटिव चीज़, जो कि किसी को पता भी ना हो, ऐसी कोई चीज़? हाँ, मेरा गुस्सा। अच्छा, ये सचमुच में था? नहीं है। अच्छा। मतलब लेकिन अब तो मैं अब कम आपको नजर कम आता है ना, इसलिए कि मैंने इसको कंट्रोल किया। अच्छा, काफी ओवरकम कर लिया। जबरदस्त। अच्छा, अगर आपको कोई कहे कि आप तीन लफ्जों में तौकीर नासिर साहब की शख्सियत बयान करें तो आप क्या कहेंगे? तीन लफ्जों में ये डेडिकेटेड, ओके, ऑनेस्ट एंड सिंसियर। एक्सेलेंट। और सैम अली दादा, इसको तीन लफ्जों में आपको बयान करना पड़ेगा? सैम अली दादा इज नाइस पर्सन, थैंक यू, ब्यूटीफुल, ओके, एंड कमिटेड टू हर वर्क एंड प्रोफेशन। थैंक यू सो मच, दैट्स अ ग्रेट कॉम्प्लीमेंट फॉर मी सर। एंड में कोई आप मैसेज देना चाहें हमारे व्यूअर्स को, क्योंकि आप हमारी हमेशा से एक फेवरेट पर्सनालिटी हैं और हमारी एक हमेशा से आपके साथ अटैचमेंट रही। यही कहना चाहूँगा कि हम सब
जो हैं वो जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह के वाकयात हैं हमारे इर्द गिर्द हो रहे हैं, हमें अपने आसपास के हालात पे नज़र रखनी चाहिए, हमें अपने मुल्क के बारे में भी सोचना चाहिए। हम हर तरह का कारोबार करने की हमें आज़ादी है, हर काम करने की आज़ादी है, विच इज़ अ पॉजिटिव पॉइंट ऑफ आर सोसाइटी। लेकिन उसके साथ साथ हमें ये एक ज़रूर रखना चाहिए कि एक सेगमेंट, एक छोटा सा हिस्सा ज़रूर अपने माशरे के लिए रखना चाहिए, अपने माशरे के इर्द गिर्द। ये तो हमारे मज़हब में भी कहा है कि अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी नज़र रखें, जो उसकी ज़रूरत है, जो मुस्तहिक है, उसका जितना अगर आप अफोर्ड करते हैं, अगर आपके पास पैसा, सिर्फ पैसे से नहीं होता, आप किसी का दिल दो लफ्ज़ बोल लेते हैं, उसका दिल जीत लेते हैं, उसको मोहब्बत से बुला लेते हैं, इसी से बड़ी पॉजिटिविटी आपकी सोसाइटी के अंदर क्रिएट होती है। तो मोहब्बत करें, पॉजिटिव रहें। एंड दूसरा ये है कि ये टिकटॉक और इन मसाइल में ना पड़े, अपने बच्चों को भी और यंगस्टर्स से मैं कहना चाह रहा हूँ कि अच्छी चीज़ों की तरफ जाएं, ट्रेंड ज़रूर बनाएं, लेकिन पॉजिटिव चीज़ों की बनाएं। पॉजिटिविटी ऑफ द सोसाइटी, जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के अफकार हैं, जो अलामा इकबाल के अशार हैं, और जो हमारे बुज़ुर्गों की कुर्बानियाँ हैं, उनकी स्ट्रगल है, उन सारी चीज़ों को और पाकिस्तान के बनने का जो ख्वाब है और उसकी ताबीर है, उसके हवाले से ज़रूर सोचें, उसके हवाले से ट्रेंड्स बनाएं, उसके हवाले से उसको फॉलो करें, ताकि पाकिस्तान आगे बढ़े, पाकिस्तान उस ख्वाब की ताबीर की तरफ जा सके जिसका ख्वाब हमारे बुज़ुर्गों ने देखा था। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सो मच सर। जब भी हमारे जहन में बात आती है पैट्रियाटिज्म की, सिंसियरिटी की, सकाफत की, ड्रामे की, तो जो पहला नाम मेरे जहन में फ्लैश करता है वो तौकीर नासिर साहब का है। इंशाल्लाह व्यूज़, आपसे मुलाकात होती रहेगी। अगले हफ्ते हम किसी और सुपर सोल पर्सनैलिटी के साथ आपके साथ मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़। ये वीडियो सोशोन के तावुन से पेश की गई है। सोशोन पाकिस्तान का नेशनल सोशल मीडिया नेटवर्क है। अपना अकाउंट बनाने के लिए सोशोन.com पर जाएं या गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से सोशोन ऐप डाउनलोड करें और पाकिस्तान का अपना सोशल मीडिया इस्तेमाल करें।